आपने शहर भर में वो पोस्टर्स देखे होंगे, वांटेड पोस्टर्स, क्योंकि दुर्गा रानी सिंह जो किरदार मैं कहानी 2 में निभा रही हूँ वो फरार है। उस पर आरोप लगा है कि उसने अपहरण और मर्डर किया है, पर क्या ये सच है नहीं सच है मुझे नहीं पता, उसके लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। पर आज हमने माहौल ऐसा बनाया कि जेल के अंदर हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए और मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि मैं यू नो हम इतने सारे इंटरव्यूज़ करते हैं दिन में कि जब मैं कैरेक्टर में पेश होती हूँ तो मुझे ये छूट मिलती है कि मैं उसके साथ थोड़ा कुछ खेलूँ। जैसे मैं कभी दौड़ने की कोशिश कर रही थी, भागने की कोशिश कर रही थी, यू नो हथकड़ी से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, तो थोड़ा इंटरव्यू में थोड़ा मज़ा आता है। ये बहुत ही लूज हथकड़ी है, ऐसे निकल जाती है। तो किसकी हथकड़ी लेकर आए मुझे नहीं पता, पर मैं इसीलिए बहुत, किसी ने मुझसे कहा कि हथकड़ी पहन लो तो मैं आराम से पहन लेती हूँ, कहती हूँ कि चलो ले जाओ मुझे, क्योंकि हाथ पकड़ते ही मैं हाथ छुड़ा लूँगी। अर्जुन के साथ बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे एक्टर हैं और आजकल बहुत अलग अलग रोल्स कर रहे हैं। इसमें भी आई थिंक इस तरह के रोल में मैंने अर्जुन को पहले नहीं देखा, मैंने उनकी सारी फिल्में नहीं देखी है, तो शायद मैं गलत हो सकती हूँ, पर जहाँ तक मुझे पता है। और उनकी हंसी मुझे बहुत अच्छी लगती है, हाँ बहुत अच्छी लगती है, जब वो हंसते हैं ना मेरी हंसी छूट जाती है। तो सेट पे, और वो हंसते बहुत हैं, हर बात पे हंसते हैं, तो वो हंसते और फिर मैं हंसती और फिर वो हंसते और फिर मैं हंसती। और बाकी भी बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं इस फिल्म में, खुराज मुखर्जी हैं जो कहानी में भी थे और इसमें भी हैं, वो इतने बेहतरीन एक्टर हैं, जब भी वो कुछ करते हैं आपको कभी नहीं लगेगा कि वो एक्ट कर रहे हैं। उनके साथ परफॉर्म करते वक्त भी कभी कभी मैं स्तब्ध रह जाती हूँ कि अरे ये क्या कर दिया उन्होंने, छोटी छोटी चीज़ें। वो थिएटर के बहुत मशहूर एक्टर हैं, फिल्में, बंगाली फिल्में बहुत करते हैं, गायक भी हैं, तो आई रियली इन्जॉयड वर्किंग विथ हिम अगेन। नाइशा है एक छोटी सी बच्ची, 6 साल की बच्ची, बहुत होशियार बच्ची है, मतलब शुजॉय उसको छोटी सी बात कहते थे शॉर्ट में तुमको ये करना है और वो ऐसे कर जाती थी, इतनी प्यारी बच्ची भी है, बहुत बातूनी है, पर ऑफकोर्स कैमरा के सामने जो भी शुजॉय कहते वो कर जाती और कभी अपने लाइंस नहीं भूलती। उसके साथ बहुत अच्छा रहा क्योंकि मेरे काफ़ी सीन्स हैं उसके साथ सब। जैसे दिवाली के वक्त मैं बहुत लोगों से मिली और इंडस्ट्री के बहुत लोगों से मिली, किसी के नाम नहीं लूँगी, पर हर जगह जहाँ जहाँ मैं गई लोगों ने कहा अरे यार क्या दमदार ट्रेलर है, अच्छा कहानी में होता क्या है, मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगी, उसके लिए टिकट खरीदो, थिएटर में जाओ देखो फिर। एक्चुअली अगर कहानी 2 हम कहानी के तुरंत बाद बनाते तो शायद वो प्रेशर महसूस होता, बहुत अच्छा लगता है कि कहानी को इतना प्यार मिला कि लोग कहानी 2 देखने को उत्सुक हैं, पर उसके अलावा कोई प्रेशर नहीं है, मैं प्रेशर लेती भी नहीं हूँ, जो है सो है, हमने फिल्म बना दी है, देखेंगे जब तब पता चलेगा कि कितने मार्क्स मिलते हैं। देखिए वो जैसी है वो वैसी दिखती नहीं है, या फिर जैसी दिखती है वो वैसे है नहीं, इसका जो आप मतलब निकालना चाहे निकाल सकते हैं। वो दिखती बहुत साधारण है, शायद मासूम या भोली भी दिखे आपको, पर उस पर आरोप लगा है मर्डर और अपहरण का, तो ये थोड़ा सा यहाँ एक ये कन्फ्यूजन है कि क्या जो औरत इस तरह की औरत ऐसा कुछ कर सकती है, एक माँ मर्डर कर सकती है, क्या वो माँ है कि वो मर्डरर है कि वो माँ और मर्डरर है। वांटेड होना बहुत अच्छी बात है, एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, एज अ वुमन, यू नो यू जस्ट वांट टू बी वांटेड, राइट। तो मैं सबसे कहती रहती हूँ कि मेरे जो शहर भर में ये पोस्टर्स लगे हैं वो देख के मैं बहुत खुश होती हूँ, मुझे लगता है कि शहर भर के लोग मुझसे कह रहे हैं कि वी वांट यू, यू आर वांटेड बाय अस। एब्सोल्युटली, देखिए आप अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो लड़कियां जो हैं, औरतें जो हैं, सिर्फ सपोर्ट का काम नहीं कर रही हैं अपने हस्बैंड्स को या बेटों को या पिताओं को, सिर्फ वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपनी खुद की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उसका
असर पर्दे पे आपको दिखेगा ही, उस तरह की कहानियाँ भी दिखेंगी आपको। इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग किरदार लिखे जा रहे हैं हमारे लिए और हम इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और ये फिल्में चल भी रही हैं। तो ये अब ये मतलब दौर नहीं है, ये अब सच्चाई है, ये अब रहने को है। सबको लालच रहती है अच्छी कहानी का एक हिस्सा बनने का, हम सभी एक्टर्स को। तो अगर वो समझदार है तो ये करेंगे। बहुत ऑफर्स आए हैं मुझे टू राइट माय जर्नी सो फार, क्योंकि मेरी जर्नी थोड़ी अलग रही है, नॉन फिल्म फैमिली से हूँ, स्ट्रगल्स भी रहे हैं, सक्सेस भी रहा है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे अप्रोच किया है टू राइट अ बुक, पर अभी तक मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया। ऑटोबायोग्राफी के लिए तो अब बहुत 50 साल हैं और 50 साल